कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया, जिससे इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके बावजूद भी देहरादून में सड़कों पर आवाजाही जारी है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए सुबह 7 से 1 बजे तक की विशेष छूट दी है, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानुसार भी दिए गए हैं। साथ ही 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया तो दुपहिया पर भी केवल एक ही व्यक्ति की परमिशन दी गई है। इन सब के बावजूद लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही वाहन संबंधी सड़कों पर 4 पहिया वाहन दौड़ रहे हैं। मामले में आए दिन पुलिस की सख्ती कार्रवाइयों के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे संक्रमण का फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है।